हम डिस्कस कर रहे हैं आगे वाला पार्ट एंड विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं, और वो क्या बात करता है, दैट टॉक अबाउट दी विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज विजन। वेरी अर्ली इन द स्ट्रैटेजी मेकिंग प्रोसेस द कंपनी सीनियर मैनेजर मस्ट कंसीडर द इशू ऑफ व्हाट डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक। विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट विल बी दी विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, विजन। वेरी अर्ली इन द स्ट्रैटेजी मेकिंग प्रोसेस में एक जो कंपनी का सीनियर मैनेजर होता है वो मस्ट कंसिडर करे इश्यू क्या होगा, वॉट डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक एंड वॉट चेंजेस इन द कंपनीज प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर पी सी एम टी, दैट इज वॉट दैट इज द प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर टेक्नोलॉजी। पी सी एम टी क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर टेक्नोलॉजी। कैसे फोकस करेगा, कैसे वो इम्प्रूव करेगा इट्स करंट मार्केट पोजिशंस को एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को। जब हम डिसाइडिंग करेंगे टू कमिट द कंपनी टू वन पाथ वर्सेज द अदर, पुशेज द मैनेजर टू ड्रॉ दी सम केयरफुली रीजन कंक्लूजन अबाउट हाउ टू इम्प्रूव, कैसे करें टू मॉडिफाई द कंपनीज बिजनेस मेकअप एंड मार्केट पोजिशन इट शुड स्टेक आउट। टॉप मैनेजमेंट का ये व्यू होता है अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन एंड प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस कंस्टिट्यूट द स्ट्रेटेजिक विजन फॉर। तो हम क्या बोलते हैं, दैट वेरी अर्ली इन दिस स्ट्रैटेजी मेकिंग प्रोसेस में कंपनी के जो सीनियर मैनेजर है वो कंसिडर करते थे द इशू क्या होगा, ऑफ वॉट डायरेक्शनल पाथ दी कंपनी शुड टेक एंड वॉट चेंजेस इन दी कंपनी इज प्रोडक्ट पी सी एम टी वुड इम्प्रूव करेगा इट्स करंट मार्केट पोजिशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को। जैसे हम डिसाइड करेंगे टू कमिट दी कंपनी टू वन पाथ वर्सेज अदर, पुशेज दी मैनेजर टू ड्रॉ सम केयरफुली रीजन कंक्लूजन अबाउट, कैसे हम ट्राई करें टू मॉडिफाई दी कंपनी बिजनेस मेकअप एंड दी मार्केट पोजिशन इट शुड स्टेक आउट। टॉप मैनेजमेंट का ये व्यू होता है अबाउट द कंपनी का डायरेक्शन क्या होगा एंड अ पी सी एम टी फोकस कंस्टिट्यूट द स्ट्रैटेजिक विजन फॉर। एक स्ट्रैटेजिक विजन जो है वो रोड मैप होता है कंपनी के फ्यूचर का। जो स्ट्रैटेजिक विजन होता है वो रोड मैप होता है कंपनी के फ्यूचर का, वो प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक अबाउट टेक्नोलॉजी और कस्टमर फोकस के बारे में, जोग्राफिक एंड अ प्रोडक्ट मार्केट टू बी परस्यू, कैपेबिलिटीज क्या होगी, प्लान्स टू डेवलप एंड द काइंड ऑफ अ कंपनी दैट मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। कंपनी स्ट्रैटेजिक विजन क्या होता है, डेलिमिट्स करता है मैनेजमेंट के एस्पिरेशंस को फॉर द बिजनेस, कैसे वो प्रोवाइड करेगा पैनोरमिक व्यू ऑफ वेयर वी आर टू गो, कि हमें कहाँ जाना है, वेयर वी आर टू गो एंड कन्विंसिंग द रैशनल फॉर फॉर व्हाई दिस मेक्स गुड बिजनेस सेंस फॉर ऑल द कंपनी। स्ट्रैटेजिक विजन दस पॉइंट आउट करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन, चार्ट्स करता है स्ट्रैटेजिक पाथ टू बी फॉलो इन फ्यूचर एंड मोल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी। हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक विजन जो है वो डेलिनेट करता है मैनेजमेंट के एस्पिरेशंस को फॉर द बिजनेस के लिए, प्रोवाइड करता है पैनोरमिक व्यू ऑफ वेयर वी आर टू गो, कन्विंसिंग द रैशनल फॉर व्हाई दिस मेक्स गुड बिजनेस सेंस फॉर द कंपनी। स्ट्रैटेजिक विजन दस पॉइंट आउट करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, चार्ट करता है स्ट्रैटेजिक पाथ टू बी फॉलोड इन फ्यूचर एंड मोल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी। एक क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट के एस्पिरेशंस को टू स्टेक होल्डर एंड हेल्प्स टू स्टीयर द एनर्जीज ऑफ अ कंपनी पर्सोनल इन अ कॉमन डायरेक्शन। फॉर इंस्टेंस, हेनरी फोर्ड विजन ऑफ अ कार इन अ वेरी गैरेज हैड पावर बिकॉज इट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ अदर्स, एडेड इंटरनल एफर्ट्स टू मोबिलाइज द फोर्ड मोटर कंपनी रिसोर्स एंड सर्व्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर गोजिंग द मेरिट्स ऑफ द कंपनी स्ट्रेटेजिक एक्शन। तो तीन एलिमेंट होते हैं स्ट्रैटेजिक विजन के, वो क्या होता है, हमें क्या करना होता है, कमिंग अप विद द मिशन स्टेटमेंट जो कि डिफाइन करता है व्हाट बिजनेस द कंपनी इज प्रेजेंटली इन एंड कन्वेज द एसेंस ऑफ हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ। कमिंग अप विद द मिशन स्टेटमेंट के साथ हमें क्या करना होगा, कमिंग अप विद द मिशन स्टेटमेंट जो कि डिफाइन करेगा दैट व्हाट बिजनेस द कंपनी प्रेजेंटली इन एंड कन्वेज द एसेंस ऑफ हु वी आर और वेयर वी आर नाउ, कहाँ हम है और कहाँ वेयर वी आर नाउ। Using the mission statement as basis for deciding on a long-term course, making choices about where we are going, कहाँ हम जा रहे हैं। कुछ examples क्या होंगे vision के, ICI का vision क्या है, what is our institute vision, let us first talk about, because we are doing the same things, we will be the part of our institute to contribute to the nation as well one day, so we must know that what is our institute vision is. World's become leading accounting body. If somebody don't know about this, so we are the second largest accounting body hai in the whole world mein. To jo chartered accountant hai,
जो आईसीए है, दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है द वर्ल्ड में. तो नाउ द वर्ल्ड बिकम लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी. लीडिंग हमें तो फर्स्ट आना है. अ रेगुलेटर एंड अ डेवलपर बनना है ऑफ द ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद अ वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंस इन अकाउंटिंग. हमें किस में कॉम्पिटेंस अचीव करनी है? अकाउंटिंग में, एश्योरेंस में, टैक्सेशन में, फाइनेंस में, बिजनेस एडवाइजरी सर्विस एक्सेट्रा ऑल में. तो आईसीए का क्या विजन है? वर्ल्ड बिकम लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना है. रेगुलेटर डेवलपर ऑफ अ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद अ वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज इन अकाउंटिंग, एश्योरेंस, टैक्सेशन, फाइनेंस एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज. रिलायंस इंडस्ट्री क्या बोलती है? थ्रू सस्टेनेबल मेजर्स क्रिएट वैल्यू फॉर द नेशन, एनहेंस करेगी द क्वालिटी ऑफ लाइफ अक्रॉस द एंटायर सोशियो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम एंड स्पीयर हेड इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन द डोमेन वेयर वी ऑपरेट. अमेजोन का क्या है? अवर विजन इज टू बी द अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी. अमेजोन का जो विजन है कि उसे सबसे ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है. टू बिल्ड अ प्लेस वेयर पीपल कैन कम टू फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वॉन्ट टू बाय ऑनलाइन. जहाँ पे कस्टमर वो सब कुछ बाय कर पाए जो भी वो चाहते हैं, वॉन्ट टू बाय ऑनलाइन. दैट इज द अमेजोन विजन. उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजिक विजन इन अ क्लियर. जब भी मतलब ये तीन एलिमेंट होते हैं विजन के, जब विजन बनाते हैं तो क्या चीजें चलती है दिमाग में? कमिंग अप विद अ मिशन स्टेटमेंट दैट डिफाइन करता है व्हाट बिजनेस द कंपनी इज प्रेजेंटली इन. कंपनी एग्जैक्टली किस बिजनेस में है अभी, और कन्वे करती है द एसेंस ऑफ हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ. यूजिंग द मिशन स्टेटमेंट एज अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग ऑन अ लॉन्ग टर्म कोर्स, मेकिंग चॉइसेस अबाउट वेयर वी आर गोइंग. कम्युनिकेट करना है हमें स्ट्रेटेजिक विजन को इन अ क्लियर एक्साइटिंग टर्म दैट वुड अरोज द ऑर्गेनाइजेशनल वाइड कमिटमेंट दिखता हो. जिससे टाटा मोटर्स का क्या विजन है? टू बी द वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट कॉन्स्टेंटली फर्दरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स स्टेक होल्डर. वर्ल्ड क्लास तो हम एक दो का तो लर्न कर देते हैं. जैसे हमें तो क्या बनना है? बिकम द लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी इन द होल वर्ल्ड, रेगुलेटर, डेवलपर और ये सारा नॉलेज गेन करना. अमेजन का क्या है? टू बी द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक बनना है और कस्टमर को जो भी चाहिए वो जो ऑनलाइन मिल जाए. इन्फोसिस का क्या है? वट इज द इन्फोसिस विजन? इन्फोसिस का है टू बी ग्लोबली रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेशन जो कि प्रोवाइड करती है बेस्ट ऑफ ब्रीड बिजनेस सॉल्यूशंस को, लिवरेजिंग टेक्नोलॉजीज डिलीवर्ड बाय बेस्ट इन क्लास पीपल. इन्फोसिस डज नॉट जस्ट वॉन्ट टू बी कॉर्पोरेशन विच जस्ट फोकस ऑन इंक्रीजिंग इट्स बिजनेस एंड रेवेन्यू रदर देन. इट्स विजन इज टू बी कॉर्पोरेशन जो कि प्रोवाइड करता है बेस्ट बिजनेस सोल्यूशन बाय इंडल्जिंग बेस्ट टैलेंटेड पीपल एंड इवेंचुअली टू बिकम अ रेपुटेड एंड रेस्पेक्टेड कॉर्पोरेशन. HCL टेक्नोलॉजी के अवर विजन इज टू बी द ग्लोबल लीडर इन प्रोवाइडिंग द हाइएस्ट लेवल ऑफ आई टी सोल्यूशन. HCL टेक्नोलॉजी क्या है? व्हाट इज सी HCL टेक्नोलॉजी? अवर विजन इज टू बी द ग्लोबल लीडर. HCL टेक्नोलॉजी का क्या विजन है? विजन है ग्लोबल लीडर है इन प्रोवाइडिंग द हाइएस्ट लेवल ऑफ आईटी सॉल्यूशंस. उसे देना है एंड सर्विसेज विच स्ट्राइव टू एक्सीड अवर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन एंड क्रिएट अ वर्क प्लेस इन विच ऑल द एम्प्लॉइज थ्राइव इन अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट दैट सेलिब्रेट द एक्सीलेंस. नेस्ले का क्या है? टू बी लीडिंग कॉम्पिटेटिव न्यूट्रिशन हेल्थ वेलनेस कंपनी डिलीवरिंग द इम्प्रूव्ड शेयर होल्डर वैल्यू बाय बीइंग अ प्रिफर्ड कॉर्पोरेट सिटीजन, प्रिफर्ड एम्प्लॉयर, प्रिफर्ड सप्लायर, सेलिंग प्रिफर्ड प्रोडक्ट्स. तो सारी कंपनी का अलग अलग विजन होता है एंड दीज आर द एसेंशियल ऑफ द विजन. फिर उसके बाद बात करते हैं अबाउट असेंशियल क्या है ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन. वॉट विल बी द असेंशियल क्या होगा स्ट्रेटेजिक विजन को लेके? जो एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज होता है डेवलप करने में स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर. जो एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज होता है कि कैसे हम डेवलप करेंगे स्ट्रेटेजिक विजन को, इज टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर. कैसे हम एक कंपनी को प्रिपेयर करेंगे उसके फ्यूचर के लिए? जब कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे फॉर द फ्यूचर के लिए, वैसे ही मतलब कितना असेंशियल है विजन की कैसे कंपनी को प्रिपेयर किया जाएगा, कैसे वो अपने फ्यूचर को फेस करेगी. फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप. मतलब एक विजन बनाना एक एक्सरसाइज है इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप की. एक वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट एंथुसियाज्म. मतलब विजन पढ़ के हमें ऐसा लगे कि नहीं बस यही करना है. टू बी द वर्ल्ड अकाउंटिंग लीडिंग वर्ल्ड अकाउंटिंग ग्लोबली लीडिंग बॉडी बनना है, ये ऐसा कुछ बना है. द बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट क्लियरली इल्यूमिनेट्स करती है द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड. हमारा मतलब एक बार विजन पता चल जाए ना तो हम उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं बस. और एक एंथुसियास्टिक होना चाहिए अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मिशन क्या होता है? मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू. एक जो मिशन है वो क्या कहता है? आंसर करता है बेसिक क्वेश्चन का. व्हाट डज द मिशन डू? मिशन क्या कहता है?
तो मिशन जो है आंसर करता है टू द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, कि हम किस बिजनेस में हैं, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मेनी फर्म फेल टू कंसेप्चुलाइज एंड आर्टिकुलेट द मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन. बहुत सारे फर्म जो है वो फेल हो जाते हैं कंसेप्चुलाइज करने में, आर्टिकुलेट करने में मिशन को एंड बिजनेस डेफिनेशन को विद द रिक्वायर्ड क्लैरिटी के साथ. Such firms are seen to fumble in the identification of opportunity and fail in formulating the strategies to make use of opportunity. Firms working to manage their organization strategically cannot be this in a matter of mission and business definition, as the जो दो आइडिया है absolutely central है to the strategic planning में. Why should an organization have a mission? सबसे पहले तो कि एक organization का mission क्यों होता है, ताकि क्या हो, अनएनिमिटी. अनएनिमिटी मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ऑफ वो पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, इट शुड बी क्लियर, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, हमें डेवलप करना होगा एक बेसिस, एक स्टैंडर्ड, जिससे हम एलोकेट कर पाए रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशनल के रिसोर्सेज को. प्रोवाइड करेंगे एक बेसिस, कैसे हम मोटिवेट करेंगे यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, कैसे हम एस्टेब्लिश करेंगे जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को, कैसे हम सजेस्ट करेंगे बिजनेस लाइक ऑपरेशंस को, ताकि हम इंश्योर कर पाए अनएनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, की अनएनिमिटी ऑफ पर्पस क्या है. डेवलप करेंगे कि बेसिस और स्टैंडर्ड क्या होगा फॉर एलोकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए. प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कैसे हम मोटिवेट करेंगे द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का, कैसे हम एस्टेब्लिश करेंगे जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की सजेस्ट करें बिजनेस लाइक ऑपरेशंस को. टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई कर पाए विद द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन, कैसे हम फैसिलिटेट करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द असाइनमेंट ऑफ अ टास्क टू रेस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज व्हाट मिशन. एक कंपनी का जो मिशन होता है, मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप. एक कंपनी का जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो टिपिकली फोकस करता है उसके प्रेजेंट बिजनेस स्कोप पे. एक कंपनी का जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो टिपिकली फोकस करता है उसके प्रेजेंट बिजनेस स्कोप पे. हु वी आर एंड व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम कहाँ हैं. मिशन स्टेटमेंट ब्रॉडली डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट कैपेबिलिटीज को, कस्टमर फोकस को, एक्टिविटीज को एंड बिजनेस मेकअप को. कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल के पर्पस को, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे दीज पर्पस को इनटू गोल्स इन सच अ वे दैट जो कोर्स टाइम और परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो असेस हो पाए, कंट्रोल हो पाए. मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करना चाहिए फिलोसॉफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि परसीव किया जाता है बाय द सीनियर मैनेजर. ए गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए. फॉलोइंग पॉइंट जो है वो यूजफुल है व्हाइल राइटिंग अ मिशन ऑफ अ कंपनी. कैसे हम स्पेसिफाई कर पाए ऑर्गेनाइजेशनल के पर्पस को, ट्रांसलेशन कैसे कर पाए दिस पर्पस को गोल्स में इन सच अ वे कि जो भी कॉस्ट टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर है कैसे वो असेस हो पाए, कैसे वो कंट्रोल हो पाए. मिशन स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए फिलोसॉफी क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन की, डेट इज जो कि परसीव की जाती है बाई दी सीनियर मैनेजर्स. एक गुड मिशन स्टेटमेंट होती है कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को, ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्पस इनटू द गोल्स इन सच अ वे कि जो कोर्स टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो असेस कर पाए, कंट्रोल कर पाए. मिशन स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए फिलोसॉफी क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि परसीव की जाएगी बाय द सीनियर मैनेजर्स के द्वारा. ए गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर, प्रिसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए, मोटिवेटिंग होनी चाहिए. फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल होना चाहिए व्हाइल राइटिंग अ मिशन ऑफ अ कंपनी. वन ऑफ द रोल्स होता है ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट इज टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी. जो एक रोल होता है मिशन स्टेटमेंट का वो क्या होता है, इज टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन को अपनी खुद की पहचान देनी है, स्पेशल आइडेंटिटी देनी है, बिजनेस एम्फेसिस देना है, पाथ फॉर डेवलपमेंट वन डेट टिपिकली सेट करता है इट अपार्ट फ्रॉम अदर सिमिलर पोजिशन कंपनीज. एक कंपनी का बिजनेस जो होता है वो डिफाइन करता है
by what need it is trying to satisfy, which customer group it is targeting, and the technology and the competency it uses and the activity it performs. So one of the role of a mission statement होता है वो क्या होता है? So one of the role of the mission statement होता है is to give the organization उसको एक special identity देना, business emphasis, path for development. So typically set करता है apart from other similarly positioned companies से. एक company का business को हम कैसे define करेंगे? What needs it is trying to satisfy, which customer group it is targeting, and the technology and the competence it uses, and the activity it performs. Good mission statement जो है वो unique होता है to the organization for which they are developed. A good mission statement क्या होता है? Unique होता है. This is unique होता है to the organization for which they are developed. Good mission statement क्या होता है? What is good mission statement? These are unique होते हैं to the organization for which they are developed. Good mission statement unique होते हैं to the organization जिसके लिए for which they are developed किए जाते हैं. Some example क्या है of mission? हम क्या बोलते हैं that what are the example of mission are? Example क्या होते हैं? What are these example क्या होते हैं mission के? ICA will leverage technology and infrastructure and partner with its stakeholder to. ICA क्या करेगी? Leverage करेगी technology and infrastructure and partner with its stakeholder to. Impart करेंगे the world class education, training and professional development to opportunity to create the global professionals. Develop कैसे करें हम एक independent and transparent regulatory mechanism जो कि that keeps the pace with the changing times. कैसे हम ensure करें adherence to the highest ethical standards को. कैसे conduct करें cutting edge research and development in the areas of accounting, assurance, taxation, finance and business advisory service. कैसे हम establish करें ICAI members and firms as Indian multinational service providers. Reliance industry क्या होता है? What does the Reliance industry says? कैसे हम create करें value for the stakeholders के लिए? कैसे हम grow करें through innovation के through? Lead in a good governance practice. Uses substantially to drive the product development and enhance the operational efficiency. कैसे हम ensure करेंगे energy security of the nation, foster rural prosperity. We strive to offer our customer the lowest possible price, the best available selection and the utmost convenience. मतलब जो उसका mission है, उसका vision था कि उसे customer centric होना है, customer को सब provide करना है. और जो mission है Amazon का वो क्या है? कैसे हमें स्ट्राइव करना है टू ऑफर अवर कस्टमर दी लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस से बेस्ट अटमोस्ट कन्वीनियंस देना है हमें कस्टमर्स को. टाटा मोटर्स क्या बोलता है शेयर होल्डर्स के लिए? टू कंसिस्टेंटली क्रिएट दी शेयर होल्डर्स वैल्यू बाय जनरेटिंग रिटर्न इन एक्सेस ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स ड्यूरिंग द अपटर्न एंड एटलीस्ट इक्वल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द डाउन टर्न of the business cycle. Customer to strengthen the Tata brand and create the lasting relationship with the customer by working closely with the business partner to provide the superior value for the money over the life cycle. Employee के लिए क्या होता है? To create a seamless organization जो कि incubates, promotes innovation excellence and the Tata core values. Vendor and channel partners to foster a long-term relationship so as to introduce कैसे करेंगे a broad range of innovative product and service that would benefit our customer and other stakeholders. कम्युनिटी के लिए कैसे हम प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इन रीशेपिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. इंफोसिस, नेस्ले, एचसीएल एंड ऑल. व्हाट इज अवर मिशन? हमारा मिशन क्या होता है एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन और हम किस बिजनेस में हैं? तो वेल नोन मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है पीटर ड्रकर एंड थियोडोर लेविट वर अमंग द फर्स्ट टू एजिटेट दिस इशू थ्रू देयर राइटिंग. उन्होंने एम्फेसाइज किया दैट एज अ फर्स्ट स्टेप इन द बिजनेस प्लानिंग एंडेवर एवरी बिजनेस फर्म मस्ट क्लैरिफाई करना चाहिए जो कॉर्पोरेट मिशन है एंड टू डिफाइन एक्यूरेटली द बिजनेस क्या होगा द फर्म इज एंगेज इन. दे ऑल्सो एक्सप्लेन दैट टूवर्ड्स फैसिलिटिंग दिस टास्क जो फर्म है इट शुड रेज एंड आंसर सर्टेन बेसिक क्वेश्चन कंसर्निंग इट्स बिजनेस सच एज व्हाट इज आवर मिशन क्या है हमारा. व्हाट इज आवर अल्टीमेट हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है. व्हाट डू वी वॉन्ट टू बिकम हम क्या बनना चाहते हैं. व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी सीक हम किस प्रकार के ग्रोथ सीक करना चाहते हैं. व्हाट बिजनेस आर वी इन हम किस तरीके के बिजनेस में हैं. डू वी अंडरस्टैंड अवर बिजनेस करेक्टली एंड डिफाइन इट एक्यूरेटली इन इट्स ब्रॉडेस्ट कनोटेशन. क्या हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे हमारे बिजनेस को करेक्टली तरीके से डिफाइन कर पाएंगे एक्यूरेट तरीके से इन्हें ब्रॉडेस्ट कनोटेशन से.
होम डू वी इंटेंड टू सर्व, किसे हम सर्व करना चाहते हैं? वॉट ह्यूमन नीड डू वी इंटेंड टू सर्व थ्रू आवर ऑफर? वॉट ब्रिंग अस टू दिस पर्टिकुलर बिजनेस? वॉट वुड बी द नेचर ऑफ बिजनेस इन द फ्यूचर? इन वॉट बिजनेस वुड वी लाइक टू बी इन द फ्यूचर? एट द टाइम दीज टू एक्सपर्ट रेज दिस इशू की बिजनेस मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड डिड नॉट फुली अप्रिशिएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज क्वेश्चन. Those were the days when business management was still a relatively simple process, even in industrially advanced country like the US. It was only in a subsequent year that captain of industry all over the world understood the significance of the seemingly simple questions raised by Drucker and Levitt. So corporate mission is an expression of the growth ambition of the firm. It is in fact it's a firm future visualized. It provides a dramatic picture of what the company wants to become. It is the corporation's dream crystallized. It is a colorful sketch of how the firm want its future to look irrespective of current position. In other words, a mission is a grand design of firm's key future. Ka. मिशन एम्पलीफाई करता है व्हाट ब्रिंग्स द फर्म टू दिस और व्हाई इट इज देयर, व्हाट एग्जिस्टेंस इट सीक्स एंड व्हाट पर्पस इट सीक्स टू अचीव एज अ बिजनेस फर्म. इन अदर वर्ड्स अ मिशन है दैट सर्व एज अ जस्टिफिकेशन फॉर द फर्म्स वेरी प्रेजेंस एंड एग्जिस्टेंस इज लेजिटिमाइजेस द फर्म्स प्रेजेंस. मिशन क्या है? एक एक्सप्रेशन है विजन ऑफ द कॉर्पोरेशन इट्स फाउंडर लीडर टू मेक द विजन कम अलाइव एंड बिकम रेलिवेंट. इट नीड टू स्पेल्ट आउट. इट इज थ्रू व्हाट इट इज थ्रू द मिशन दैट द फर्म स्पेल्स आउट इट्स विजन. इट रिप्रेजेंट कॉमन पर्पस क्या होगा विद द एंटायर फर्म शेयर एंड परस्यू. अ मिशन इज नॉट अ कॉन्फिडेंशियल अफेयर, नहीं है टू बी कन्फाइंड एट द टॉप. इट हैज टू बी ओपन टू द एंटायर कंपनी. ऑल पीपल आर सपोज टू ड्रॉ मीनिंग एंड डायरेक्शन फ्रॉम इट. इट एड्स जील्स टू द फर्म्स एंड इट्स पीपल. अ मिशन इज नॉट अ फैड, इट इज अ टूल टू बिल्ड एंड सस्टेन कमिटमेंट ऑफ द पीपल टू द कॉर्पोरेशंस पॉलिसी. मिशन इज नॉट रियोटोरिक, इट इज द कॉर्पोरेशन गाइडिंग प्रिंसिपल. एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. मिशन स्टेटमेंट इज अ फाउंडेशन है फ्रॉम विच द नेटवर्क ऑफ गोल्स इज बिल्ट. मिशन जो मिशन है सर्व करता है एज अ प्रोक्लेमनेशन टू इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स ऑन व्हाट द कॉर्पोरेशन स्टैंड्स फॉर. मिशन हाउएवर इज नॉट अ पीआर डॉक्यूमेंट नहीं है व्हाट व्हाइल इट लेजिटिमाइजेस द कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस एंड रोल इन सोसाइटी. इसका मेन पर्पस इज टू गिव द इंटरनल डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर ऑफ द कॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रकर. क्या बोलते हैं? एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आस्क एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए. वॉट बिजनेस आर वी, हम किस बिजनेस में हैं? एंड गेट द करेक्ट एंड मीनिंगफुल आंसर उन्हें आना चाहिए. द आंसर शुड मार्केटिंग और एक्सटर्नल परस्पेक्टिव एंड शुड नॉट बी रिलेटेड रीस्टेटेड द प्रोडक्शन और जेनरिक एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस. द टेबल गिवन बिलो विल क्लैरिफाई करके हाईलाइट करके वॉट विल बी द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल परस्पेक्टिव. वॉट बिजनेस आर वी इन, कंपनी प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर होना चाहिए. मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर क्या होगा? इंडियन ऑयल क्या बोलता है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड और मार्केटिंग ओरिएंटेड. वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलीन प्रोडक्ट्स. हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं ऑयल गैसोलीन प्रोडक्ट्स. वी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी. मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर क्या होगा? हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जीज हम प्रोवाइड करते हैं. इंडियन रेलवे वी रन अ रेलवे. ये तो उनका प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, पर जब वो मार्केटिंग का यूज करेंगे तो वी ऑफर अ ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं. रेवलॉन का क्या है? इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक. इन द रिटेल आउटलेट वी सेल होप. हम होप को बेचते हैं. अंडरस्टैंड कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे मिशन एंड पर्पस को? जो मिशन है द मिशन इज अ स्टेटमेंट है जो कि डिफाइन करती है रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को. हम क्या बोलते हैं? मिशन जो होती है वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि डिफाइन करती है रोल क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एक सोसाइटी में प्ले होता है. जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ जो पर्पस होते हैं दैट इज एनीथिंग दैट इज स्ट्राइव्स फॉर. ऑर्गेनाइजेशन रिलेट करेगी देयर एग्जिस्टेंस टू सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर नीड ऑफ द सोसाइटी. दे डू दिस इन अ टर्म्स ऑफ देयर मिशन एंड पर्पस. वी कैन डिस्क्राइब कर सकते हैं मिशन एज अ स्टेटमेंट जो कि डिफाइन करती है रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन द सोसाइटी. What purpose is anything which an organization strives for? In the business policy, both these terms are either used jointly or singly.
Since both mission and purpose go hand in hand, they can be used together while maintaining the basic difference between them. Mission strictly refer करता है particular need क्या होगी society की, instance its information needs. Purpose जो कि relate करेगा to what the organization try to achieve in order to fulfill its mission to the society. A book publisher and a magazine editor are both engaged in satisfying the information needs of the society, but they do it through different means. A book publisher may aim at producing excellent reading material, while magazine editor may strive to present news analysis in a balanced and unbiased manner. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं एंड द आउटकम इट वॉन्ट्स टू अचीव. दे फंक्शन एज द यार्ड स्टिक फॉर ट्रैकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ट्रांसलेट करता है देयर विजन एंड मिशंस इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को. हम क्या बोलते हैं कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ट्रांसलेट करता है विजन एंड मिशन को गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में. एज सच द टर्म्स ऑब्जेक्टिव सिनोनियम्स है विद गोल्स में. हाउएवर सम ऑथर मेक एन अटेम्प्ट टू डिस्टिंग्विश द टू. गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स दैट डिनोट द फ्यूचर स्टेट्स और आउटकम. ऑब्जेक्टिव आर क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स विच आर प्रिसाइज होते, एक्सप्रेस होते इन स्पेसिफिक टर्म्स. दस जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ट्रांसलेट करते हैं गोल्स को टू बहुत लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव में. हाउएवर दिस डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बाई सेवरल थ्योरिस्ट ऑन दिस सब्जेक्ट. अकॉर्डिंगली वी विल यूज दैम इंटरचेंजली. ऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं. जो परस्यूट होता है ऑब्जेक्टिव का इज एन अनएंडिंग प्रोसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन sustain themselves. They provide meaning and sense of direction to the organization's endeavor. Organization structure and activity are designed ki jati hai, resources are allocated around the objective to facilitate their achievement. They also act as a benchmark for guiding the organizational activity and for evaluating that how the organization is performing. जो ऑब्जेक्टिव होता है मतलब स्ट्रेटेजिक फोकस वो रिलेट करता है आउटकम दैट इज स्ट्रेंथन एंड ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल बिजनेस पोजीशन एंड कॉम्पिटिटिव वाइटलिटी. ऑब्जेक्टिव जो है वो मीनिंगफुल टू सर्व द इंटेंडेड रोल मस्ट पॉज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरमेंट. दे शुड बी फैसिलिटेटिव होना चाहिए टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द दे शुड बी फैसिलिटेटिव टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस. They should provide the basis for strategic decision making. They should provide standards for performance appraisal. They should be concrete and specific hona chahiye. They should be related to a time frame. They should be measurable and controllable hona chahiye. They should be what measurable? They should be challenging. Different objectives should correlate with each other. Objectives should be set within the constraint of organizational resources and external environment. A need for both short-term and long-term objective. As a rule, company's set of financial and strategic objective ought to include both short-term and long-term performance targets. Having quarterly or annual objective focus karta attention on delivering the immediate performance improvement. Target to be achieved within the 3 to 5 years. Prompt consideration of what to do, how now to put the company in a position to perform better down the road. A company that has objective hota hai doubling its sales within 5 years can't wait until the 3rd or 4th year to begin growing its sale and customer base. By spelling out annual perhaps quarterly performance target management को indicate करनी पड़ती है. The speed at which longer range targets are to be approached. Long term objective क्या होता है? जब हम achieve करेंगे long term prosperity का तो strategic planners commonly establish करेंगे long term objective in 7 areas. Profitability, productivity, competitive position, employee development, employee relation, technological leadership and public responsibility. So, हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है जो कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम परसिंग दी. सो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम परसुइंग सर्टेन स्ट्रैटेजीज को लेके. स्ट्रैटेजी जो कि रिप्रेजेंट करती है एक्शन टू बी टेकन, कैसे हम एकम्प्लिश करेंगे द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को. सो टाइम फ्रेम होता है हमारा फॉर ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी शुड बी कंसिस्टेंट होना चाहिए यूजुअली फ्रॉम 2 to 5 years. ऑब्जेक्टिव को क्वांटिटेटिव होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, अंडरस्टेनेबल होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, हायरार्किकल होना चाहिए, ऑब्टेनेबल होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए अमंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट. ईच ऑब्जेक्टिव शुड ऑल्सो भी एसोसिएटेड होना चाहिए विद द टाइम लाइन. Objective are commonly stated in terms such as growth in assets, sales in
ग्रोथ इन सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, डिग्री एंड नेचर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डिग्री एंड नेचर ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, अर्निंग पर शेयर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियरली एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव ऑफर मैनी बेनिफिट्स दैट प्रोवाइड डायरेक्शन, अलाउ सिनर्जी एड इन इवेल्यूशन, एस्टेब्लिश प्रायोरिटी, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, मिनिमाइज द कन्फ्लिक्ट, स्टिमुलेट द एक्सर्शन एंड एड इन बॉथ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द डिजाइन ऑफ द जॉब. जो शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव है वो आइडेंटिकल होना चाहिए टू द लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव से. हम क्या बोलते हैं, जो शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव है वो आइडेंटिकल होना चाहिए टू द लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव से. इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग एट द टारगेटेड लॉन्ग टर्म लेवल, फॉर इंस्टेंट इफ अ कंपनी हैज ऑनगोइंग ऑब्जेक्टिव हो 15% प्रॉफिट का ग्रोथ एवरी ईयर एंड इज करेंटली अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव, देन द कंपनी इज लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट कंसर्न. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन इन विच द शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव डिफर करता है फ्रॉम द लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव अकर्स व्हेन मैनेजर आर ट्राइंग टू एलिवेट द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड कैन नॉट रीच द लॉन्ग रेंज टारगेट इन जस्ट 1 ईयर. शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव देन सर्व एज अ स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट कम दैट इज द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल. सो स्ट्रैटेजिक मतलब दिस इज द वन वन गो रीड है, इसके बाद तो लर्न करना है टू द क्वेश्चंस. तो दिस इज जस्ट द अंडरस्टैंडिंग पार्ट कि कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इनिशियली दिस इज जस्ट द फर्स्ट रीडिंग कि चैप्टर में क्या है, दैट्स इट. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है? सो व्हाट इज बेसिकली द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा ऑर्गेनाइजेशन के विजन को, मिशन को, गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को. इज अ स्टार्टिंग पॉइंट होगा फॉर द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा ऑर्गेनाइजेशन के विजन को, मिशन को, गोल को, ऑब्जेक्टिव को. स्टार्टिंग पॉइंट होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. एवरी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्पेसिफिक विजन होगा, मिशन होगा, गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा. इवन इफ दीज एलिमेंट आर नॉट कॉन्शियसली डिजाइन ना किया जाए, रिटर्न ना किया जाए, कम्युनिकेट ना किया जाए, जो आंसर होता है टू वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग कैन बी डिटरमाइन किया जा सकता है लार्जली बाय वेयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन. जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है वो डायनेमिक और कंटिन्यूस होता है. जो चेंज होता है इन एनी वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट इन अ मॉडल कैन नेसेसिटेट कर सकता है चेंज इन एनी और ऑल ऑफ द अदर कंपोनेंट में. फॉर इंस्टेंट अ शिफ्ट होता है इन द इकोनॉमी वो कुड रिप्रेजेंट करती है मेजर अपॉर्चुनिटी एंड रिक्वायर अ चेंज इन अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज. अ फेलियर टू अकम्प्लिश द एनुअल ऑब्जेक्टिव कुड रिक्वायर अ चेंज इन अ पॉलिसी और अ मेजर कॉम्पिटिटर्स चेंज इन स्ट्रैटेजी कुड रिक्वायर अ चेंज इन अ फर्म्स मिशन. Therefore, strategy formulation, implementation और evaluation की जो activity होती है should be performed होनी चाहिए on a continual basis, not just at the end of year or semi-annually. The strategic management process never really ends. जो strategic management process होती है वो कभी भी end नहीं होती है. Strategic management model क्या होता है, जब हम identify करेंगे organization के vision को, मिशन को, गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस का. जब हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के विजन को, मिशन को, गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को, जब हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के विजन को, मिशन को, गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को, तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट होगा फॉर द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक विजन होता है, मिशन होता है, गोल्स होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. इवन दिस एलिमेंट्स आर अगर वो कॉन्शियसली डिजाइन नहीं भी किया जाए, रिटन और कम्युनिकेट नहीं भी हो तो भी, जो आंसर होता है टू वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग कैन बी अंडरमाइन किया जा सकता है लार्जली वेयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन. जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है वो बहुत ही डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है. जो चेंज होता है इन एनी वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट इन अ मॉडल कैन नेसेसिटेट करता है चेंज इन एनी और ऑल ऑफ द अदर कॉम्पोनेंट. फॉर इंस्टेंट अ शिफ्ट होता है इन द इकोनॉमी का रिप्रेजेंट करता है अ मेजर अपॉर्चुनिटी एंड रिक्वायर अ चेंज इन अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज. अ फेलियर टू अकम्प्लिश द एनुअल ऑब्जेक्टिव कुड रिक्वायर अ चेंज इन अ पॉलिसी. अ मेजर कॉम्पिटिटर्स चेंज इन स्ट्रैटेजी कुड रिक्वायर अ चेंज इन द फर्म्स मिशन.
देयरफॉर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन और जो इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मुलेट करना चीज़ों को, इम्प्लीमेंट करना, इवैल्यूएट करना, एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म होना चाहिए ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस, नॉट जस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर और सेमी एनुअली. जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है दैट नेवर रियली एंड्स, नहीं होता है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कैन बी बेस्ट स्टडीड और अप्लाई की जा सकती है किधर, यूजिंग अ मॉडल के थ्रू. एवरी मॉडल रिप्रेजेंट करता है सम काइंड ऑफ प्रोसेस. जो मॉडल है वो इलस्ट्रेट है इन दिस फिगर. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल जो है फ्रेड आर डेविड इज अ वाइडली एक्सेप्टेड, ये फ्रेड आर डेविड ने दिया था, एक वाइडली एक्सेप्टेड कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है. दिस मॉडल इज लाइक एनी अदर मॉडल, ये मॉडल दूसरे मॉडल्स की तरह ही अदर मॉडल ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट गारंटी नहीं देता है शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस, बट इट डज रिप्रेजेंट अ क्लियर एंड प्रैक्टिकल अप्रोच बताएगा. मतलब इट इज नॉट दी शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस का कोई फॉर्मूला और गारंटी नहीं देगा, ये क्लियर और प्रैक्टिकल अप्रोच बताएगा कैसे चीज़ें फॉर्मुलेट होगी, इम्प्लीमेंट होगी, इवेल्युएट होगी, रिलेशनशिप क्या होगी अमंग द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस आर शोन इन दी मॉडल. तो वो मॉडल में बताई जाएगी. उसके बाद आएगा हमारा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल फ्रेड आर डेविड क्या बोलता है, कैसे हम डेवलप करेंगे विजन को, मिशन को एंड ऑब्जेक्टिव्स को. हम क्या बोलते हैं, कैसे डेवलपमेंट होगा विजन का, मिशंस का और ऑब्जेक्टिव्स का. हाउ देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट कैसे होगा विजन का, मिशंस का, मिशन का कैसे डेवलपमेंट होगा, विजन का, मिशन का, ऑब्जेक्टिव्स का. एनवायरमेंटल एनालिसिस कैसे होगी, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल कैसे होगा, कैसे हम जनरेट करेंगे एनालिसिस एंड सेलेक्ट स्ट्रैटेजीज को, कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रैटेजीज को, कैसे स्ट्रैटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल होगा. तो हम क्या बोलते हैं, कैसे डेवलप होगा विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव, कैसे ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंटल एनालिसिस होगी, कैसे हम जनरेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, सेलेक्ट स्ट्रैटेजीज को सेलेक्ट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा स्ट्रैटेजीज का, कैसे स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन और कंट्रोल होगा. जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज नॉट एज क्लीनली डिवाइडेड एंड नीटली परफॉर्म प्रैक्टिस नहीं है एज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल सजेस्ट. जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है इज नॉट एज क्लीनली डिवाइडेड एंड नीटली परफॉर्म प्रैक्टिस एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल सजेस्ट. स्ट्रैटेजिस्ट डू नॉट गो थ्रू द प्रोसेस इन अ लॉक स्टेप फैशन. जनरली देर इज अ गिवन एंड टेक अमंग हायरार्किकल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट करते हैं फॉर्मल मीटिंग्स सेमी एनुअली टू डिस्कस एंड अपडेट द फर्म्स विजन एंड मिशन, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रैटेजीज, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, परफॉर्मेंस. क्रिएटिविटी फ्रॉम पार्टिसिपेंट इज एनकरेज की जाती है इन मीटिंग में. गुड कम्युनिकेशन एंड फीडबैक नीडेड है थ्रू आउट द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में पूरी तरीके से चाहिए होता है. वॉट विल बी द स्टेजेस इन अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्टेजेस क्या होती है, वॉट आर द स्टेजेस इन, स्टेजेस क्या होती है. हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेजेस क्या होगी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, क्या क्या स्टेजेस होगी. तो क्राफ्टिंग करना, एग्जीक्यूट करना स्ट्रैटेजी को आर दी हार्ट एंड सोल है ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज. हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट विल बी दी स्टेजेस क्या होगी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में. क्राफ्ट करना, एग्जीक्यूट करना स्ट्रैटेजी को हार्ट एंड सोल ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज. बट एग्जैक्टली व्हाट इज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूटिंग इट प्रोफिशिएंटली एंड हु बिसाइड टॉप मैनेजमेंट हैज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टेजेस क्या होती है, हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट विल बी दी स्टेजेस क्या होगी इन दी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के. स्टेजेस क्या होगी क्राफ्ट करना, एग्जीक्यूट करना स्ट्रैटेजी को हार्ट एंड सोल ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज. बट एग्जैक्टली क्या इन्वॉल्व होता है इन डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूटिंग इट प्रोफिशिएंटली एंड हु बिसाइड टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस. उसमें क्या होगा, आप डेवलप करेंगे स्ट्रैटेजिक विजन, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. हम क्या बोलेंगे, कैसे हम डेवलप करेंगे स्ट्रैटेजिक विजन को, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे हम एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करेंगे, कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे स्ट्रैटेजी को, कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रैटेजी को, हम कैसे स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करेंगे. स्टेजेस क्या होगी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, बहुत सारी स्टेजेस होती है, बहुत सारी इन द सेंस पांच स्टेजेस होती है. पांच में से फर्स्ट में हमें डेवलप करना है स्ट्रैटेजिक विजन को,
फॉर्मुलेट करना है मिशन को, स्टेटमेंट ऑफ मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को. एनवायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस कैसे होगी, कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे स्ट्रैटेजी को, इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रैटेजी को, स्ट्रैटेजी की वैल्यूएशन एंड कंट्रोल क्या करेंगे. स्टेज वन में क्या बोलता है, स्ट्रैटेजिक विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव. व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजिक विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, क्या होगा. फर्स्ट, कंपनी मस्ट डिटरमाइन व्हाट डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक एंड व्हाट चेंजेस इन द कंपनीज प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर टेक्नोलॉजी फोकस वुड इम्प्रूव. फर्स्ट जो हमारा होगा, हमें क्या करना होगा, स्टेज वन इज स्ट्रैटेजिक विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव. तीन बातों को हमें डेवलप करना है. स्ट्रैटेजिक विजन मिशन और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, मिशन चारों चीजें हैं, विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट, कंपनी मस्ट डिटरमाइन करना होगा कौन से डायरेक्शनल पाथ है जो कंपनी शुड टेक करेगी एंड व्हाट चेंजेस इन द कंपनीज प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर टेक्नोलॉजी फोकस वुड इम्प्रूव, कैसे करेगा करंट मार्केट पोजिशन एंड इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. डिसाइड करना है हमें कमिट कैसे करें द कंपनी टू वन पाथ वर्सेस द अदर. पुशेस द मैनेजर टू ड्रॉ सम केयरफुली रीजन कंक्लूजन अबाउट हाउ टू ट्राई टू मॉडिफाई द कंपनीज बिजनेस मेकअप एंड द मार्केट पोजिशन इट शुड कार्व आउट. टॉप मैनेजमेंट का जो व्यू होता है एंड कंक्लूजन होता है अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन, अबाउट व्हाट, अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन एंड द प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस कंस्टिट्यूट अ स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी. एक जो स्ट्रैटेजिक विजन है वो डेलिनेट करता है मैनेजमेंट के एस्पिरेशन क्या हो गए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. हाईलाइट करेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन को, स्ट्रैटेजिक पाथ फॉर इट टू फॉलो इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर एंड मोल्ड्स इट्स आइडेंटिटी. एक आर्टिकुलेटेड स्ट्रैटेजिक विजन कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट के एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर्स एंड हेल्प स्टीव द एनर्जीज ऑफ द कंपनी पर्सोनल इन अ कॉमन डायरेक्शन. मिशन एंड स्ट्रैटेजिक इंटेंट, हम क्या बोलते हैं मिशन एंड स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है. मैनेजर को नीड टू बी क्लियर होना चाहिए अबाउट व्हाट दे सी एज द रोल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. मिशन एंड स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, मैनेजर नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे सी एज द रोल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन. दिस इज इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बहुत एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एंड अदर मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी क्लियर अबाउट वॉट द ऑर्गेनाइजेशन इज सीकिंग टू अचीव एंड इन ब्रॉड टर्म हाउ इट इट एक्सपेक्ट्स टू डू सो. एट दिस लेवल स्ट्रैटेजी इज नॉट कंसर्न विद द डिटेल्स ऑफ एसपीयू कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी और द डायरेक्शन एंड मैथड द बिजनेस माई टेक टू अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. रादर द कंसर्न हियर इज ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन. कॉर्पोरेट जो गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो फ्लो करते हैं फ्रॉम द मिशन एंड ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द कॉर्पोरेशन. बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटम ऑफ ग्रोथ क्या होगा द फर्म सीक टू अचीव इन अ गिवन टाइम फ्रेम. दे ऑल्सो हैंडल द फर्म विद कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इंश्योर करती है द प्रोजेक्टेड ग्रोथ को. थ्रू द ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस द फर्म हैज टैकलिंग द एनवायरमेंट एंड डिसाइडिंग द फोकस इट शुड हैव इन द एनवायरमेंट. जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रोवाइड करता है बेसिस क्या होगा फॉर इट्स मेजर डिसीजन ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो सेट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टू बी रियलाइज एट ईच लेवल. जो मैनेजरियल पर्पस होता है ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स टू कन्वर्ट कैसे होगा द स्ट्रैटेजिक विजन इनटू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट रिजल्ट एंड आउटकम्स द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव एंड दे यूज दिस ऑब्जेक्टिव एज यार्डस्टिक फॉर ट्रैकिंग द कंपनीज प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस. आइडियली मैनेजर जो है दे ऑट टू यूज द ऑब्जेक्टिव सेटिंग एक्सरसाइज एज अ टूल फॉर ट्रूली स्ट्रेचिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल. चैलेंज कैसे करे कंपनी पर्सनल टू गो ऑल आउट एंड डिलीवर द बिग गेन्स इन अ परफॉर्मेंस पुशेस एन एंटरप्राइज टू बी मोर इन्वेंटिव टू एग्जिबिट सम अर्जेंसी इन इम्प्रूविंग बोथ इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इट्स बिजनेस पोजिशन एंड टू बी मोर इंटेंशनल एंड फोकस इन इट्स एक्शन. ऑब्जेक्टिव नीडेड होता है एट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. ऑब्जेक्टिव सेटिंग शुड नॉट स्टॉप विद टॉप मैनेजमेंट एस्टैब्लिशिंग ऑफ कंपनी वाइड परफॉर्मेंस टारगेट. अब कंपनी ऑब्जेक्टिव नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू परफॉर्मेंस टारगेट फॉर ईच सेपरेट बिजनेस प्रोडक्ट लाइन फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल वर्क यूनिट. कंपनी परफॉर्मेंस कांट रीच फुल पोटेंशियल अनलेस ईच एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डज इट पार्ट एंड कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द डिजायर्ड कंपनी वाइड आउटकम्स एंड रिजल्ट. दिस मीन्स सेटिंग परफॉर्मेंस टारगेट फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन यूनिट दैट support rather than conflict with or negate the achievement of company is a strategic and financial objective. बहुत ही बड़ा है.
बट दिस इज द लास्ट पार्ट वी कैन से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टेजेस वन बाय वन पढ़ते हैं. लेट्स डू द डिटेल डिस्कशन अबाउट द थिंग्स. सबसे पहले तो हमें डेवलप करना होगा स्ट्रेटेजिक विजन को, मिशन को, गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को. जो कंपनी है उसे डिटरमाइन तो करना ही है कि कौन से डायरेक्शनल पाथ पे द कंपनी शुड टेक एंड व्हाट चेंजेस इन द कंपनी के, मतलब क्या कौन से डायरेक्शनल पाथ पे कंपनी चल रही है एंड व्हाट चेंजेस इन द कंपनी के, जो चेंजेस क्या होंगे इन द कंपनी के प्रोडक्ट में, मार्केट में, कस्टमर में, टेक्नोलॉजी में, वो इम्प्रूव करेंगे इसके करंट मार्केट पोजीशन को एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को. कैसे हम डिसाइड करें टू कमिट द कंपनी टू वन पाथ वर्सेस अदर, पुशेस द मैनेजर टू ड्रॉ सम केयरफुली रीजन कंक्लूजन अबाउट हाउ टू ट्राई टू मॉडिफाई कैसे करें कंपनी के बिजनेस मेकअप को एंड मार्केट पोजिशन को. इट शुड कार्व आउट टॉप मैनेजमेंट का ये व्यू और कंक्लूजन अबाउट द कंपनी का डायरेक्शन एंड द प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी फोकस कंस्टिट्यूट अ स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी. एक स्ट्रेटेजिक विजन जो है वो डेलिनेट करता है मैनेजमेंट के एस्पिरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और हाईलाइट करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन और स्ट्रेटेजिक पाथ को फॉर इट टू फॉलो इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर एंड इन मोल्ड्स इट्स आइडेंटिटी. एक क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन जो है वो कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट के एस्पिरेशन को स्टेक होल्डर को लेकर कैन हेल्प स्टीयर द एनर्जी ऑफ अ कंपनी पर्सोनल इन अ कॉमन डायरेक्शन. मिशन एंड स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है, मैनेजर को बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए अबाउट वॉट दे सी एज अ रोल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन. दिस इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए एंड मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी क्लियर होने चाहिए अबाउट वॉट ऑर्गेनाइजेशन इज सीकिंग टू अचीव, क्या अचीव करना चाहती है, इन ब्रॉड टर्म्स हाउ इट एक्सपेक्ट्स टू डू सो. एट दिस लेवल स्ट्रेटेजी इज नॉट कंसर्न इन द डिटेल ऑफ एसबीयू कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी और डायरेक्शन एंड मेथड द बिजनेस माइट टेक टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. रादर द कंसर्न हियर इज ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या होगा. जो कॉर्पोरेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम द मिशन एंड ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द कॉर्पोरेशन से. जो कॉर्पोरेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव होता है वो फ्लो करता है मिशन एंड ग्रोथ के एम्बिशन से. ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटम क्या होगा ऑफ ग्रोथ का द फर्म सीक्स टू अचीव इन द गिवन टाइम फ्रेम. दे ऑल्सो हैंडल द फर्म विथ करेक्टरिस्टिक्स जो कि इंश्योर करता है द प्रोजेक्टेड ग्रोथ थ्रू द ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस क्या होगी. द फर्म इज टैकलिंग द इन्वायरमेंटल एंड डिसाइडिंग द दिस इट शुड हैव इन द इन्वायरमेंट. जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रोवाइड करता है द बेसिस फॉर इट मेजर डिसीजन ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो सेट द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टू बी रियलाइज एट ईच दिस लेवल. जो मैनेजरल पर्पस होता है ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव वो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक विजन को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट्स में, रिजल्ट्स एंड आउटकम द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू अचीव एंड देन यूज दिस ऑब्जेक्टिव एज अ यार्ड स्टिक फॉर ट्रैकिंग द कंपनीज प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस. आइडियली मैनेजर ऑट टू यूज करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग एक्सरसाइज को एज अ टूल फॉर ट्रियली ट्रूली स्ट्रेचिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल. आइडियली मैनेजर को दे ऑट टू यूज द ऑब्जेक्टिव सेटिंग एक्सरसाइज. हम क्या बोलते हैं आइडियली क्या करना होता है, मैनेजर को यूज करना होता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग एक्सरसाइज को एज अ टूल फॉर ट्रूली स्ट्रेच कैसे करें हम ऑर्गेनाइजेशन को टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल. कैसे हम चैलेंज करें कंपनी पर्सनल को टू गो ऑल आउट एंड डिलीवर द बिग गेन्स इन परफॉर्मेंस पुशेस एंड एंटरप्राइज टू बी मोर इन्वेंटिव टू एग्जिबिट सम अर्जेंसी इन इम्प्रूविंग बोथ इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड बिजनेस पोजिशन एंड टू बी मोर इंटेंशनल एंड फोकस इन इट्स एक्शंस. ऑब्जेक्टिव जो है दे ऑल आर नीडेड एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पे. तो हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव जो है दैट द सेम आर नीडेड. ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत होती है आर नीडेड एट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पे. ऑब्जेक्टिव जो सेटिंग होती है शुड नॉट स्टॉप विद टॉप मैनेजमेंट एस्टेब्लिशिंग ऑफ कंपनी वाइड परफॉर्मेंस टारगेट. कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट नीड टू बी ब्रोकन डाउन होना चाहिए इनटू परफॉर्मेंस टारगेट फॉर ईच सेपरेट बिजनेस प्रोडक्ट लाइन फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल वर्क यूनिट. कंपनी परफॉर्मेंस जो है दैट कांट रीच फुल पोटेंशियल अनलेस ईच एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज इट पार्ट एंड कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द डिजायर कंपनी वाइड आउटकम्स एंड रिजल्ट. दिस मीन्स कि जब हम परफॉर्मेंस को सेट करते हैं सेटिंग द परफॉर्मेंस
रिजल्ट एंड आउटकम द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू अचीव करना पड़ता है एंड देन यूज दिस ऑब्जेक्टिव एज अ यार्ड स्टिक फॉर ट्रैकिंग द कंपनी प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस. आइडियली मैनेजर जो है दे ऑट टू यूज दी ऑब्जेक्टिव सेटिंग एक्सरसाइज एज अ टूल फॉर ट्रीली स्ट्रेचिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल. चैलेंजिंग कंपनी पर्सनल टू गो ऑल आउट एंड डिलीवर दी बिग गेन्स इन परफॉर्मेंस पुशेज एन एंटरप्राइज टू बी मोर इन्वेंटिव टू एग्जिबिट सम अर्जेंसी इन इम्प्रूविंग बोथ इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इट्स बिजनेस पोजिशन टू बी मोर इंटेंशनल एंड फोकस इन इट्स एक्शन. ऑब्जेक्टिव जो है आर नीडेड एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स. ऑब्जेक्टिव सेटिंग शुड नॉट स्टॉप विद द टॉप मैनेजमेंट एस्टेब्लिशिंग ऑफ अ कंपनी वाइड परफॉर्मेंस टारगेट. कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट नीड टू बी ब्रोकन डाउन इन टू देन नीड टू बी ब्रोकन डाउन होना चाहिए इनटू परफॉर्मेंस टारगेट फॉर ईच सेपरेट बिजनेस प्रोडक्ट लाइन फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल वर्क यूनिट. कंपनी का परफॉर्मेंस कांट रीच द फुल पोटेंशियल अनलेस ईच एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज इट्स पार्ट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द डिजायर्ड कंपनी वाइड आउटकम्स एंड रिजल्ट. दिस मीन सेटिंग परफॉर्मेंस टारगेट फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन यूनिटेड सपोर्ट रादर देन कंफ्लिक्ट विद और नेगेट द अचीवमेंट ऑफ कंपनीज वाइड स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. द नेक्स्ट कम इज द इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस क्या होता है? दिस स्टेज इज द डायग्नोस्टिक फेज है ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का. इट एंटेल्स टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस. हम क्या बोलते हैं कि दैट इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस क्या है, जो ये जो स्टेज है दिस स्टेज इज द डायग्नोस्टिक फेज ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का. इट एंटेल्स टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस. हम क्या बोलते हैं इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस क्या बोलता है? दिस स्टेज एक डायग्नोस्टिक फेज है ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. ये एंटेल करता है टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस दैट इज एन्वायरमेंटल स्कैनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ अ फर्म कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल मार्केट और अदर फोर्स होता है जो कि अफेक्ट करता है इट्स फंक्शनिंग को. हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ अ फर्म कंसिस्ट ऑफ, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ अ फर्म कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल मार्केट और अदर फोर्सेज जो कि अफेक्ट करता है इट्स फंक्शनिंग को. जो फर्म एक्सटर्नल एनवायरमेंट है वो डायनामिक और अनसर्टेन होता है. सो द मैनेजमेंट मस्ट सिस्टमैटिकली एनालाइज करेगी वेरियस एलिमेंट्स को ऑफ एनवायरमेंट कैसे वो डिटरमाइन करेगा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट फॉर द फर्म इन अ फ्यूचर. तो एनवायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में क्या होता है कि दो टाइप का एनालिसिस होता है. ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो फर्म कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल मार्केट एंड अदर फोर्सेस जो है वो अफेक्ट करता है इट्स फंक्शनिंग. सो फर्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक होता है अनसर्टेन होता है. तो मैनेजमेंट मस्ट सिस्टमैटिकली एनालाइज करेगा वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को कैसे डिटरमाइन होगी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट फॉर द फर्म इन द फ्यूचर. ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में क्या इन्वॉल्व होता है? रिव्यू होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवनेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स एंड सो ऑन. दिस वुड रिवील करेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जो कि मैच किया जाएगा विद द थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. दिस वुड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट which could be in the form of a table highlighting the various strength and weakness of a firm and opportunity and threat which the environment we create करते हैं for the firm. so concept is what analysis को वो already elaborated है in the chapter 2 में. so organizational हम क्या बोलते हैं external environment of a firm consists of economical, social, technological, market and other forces. so external environment होता है of a firm का उसमें क्या होता है economical, social, टेक्नोलॉजिकल मार्केट और अदर सोर्स होता है जो कि अफेक्ट करता है इट्स फंक्शनिंग को. जो फर्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक और अनसर्टेन होता है. तो जो मैनेजमेंट है वो मस्ट सिस्टमैटिकली एनालाइज करेगा वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को कैसे डिटरमाइन करेगा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को फॉर द फर्म इन अ फ्यूचर. ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में इन्वॉल्व होता है रिव्यू कैसे होगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का, प्रोडक्टिव कैपेसिटी का, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवनेस का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स एंड सो ऑन. दिस वुड रिवील द ऑर्गेनाइज
organization strengthen and weakness which could be matched with the threat and opportunity in the external environment. ये provide करेगा us a framework for SWOT analysis. SWOT analysis कैसे होगा? Which could be in a form of table highlighting the various strengths and weakness of a firm's and opportunity and threat which the environment we create for the firm. So concept is SWOT analysis का वो already elaborated है in a chapter 2 में. तो step 3 is the formulating the strategy. जो first step है in the strategy formulation में वो है develop करना strategic alternative in the light of organization strength and weakness को लेके opportunity and threat को लेके. Third step आता है हमारा. The first step जो है वो strategy formulation वो develop कैसे करेंगे सारी चीजों को alternatives को in the light of organization strength and of weakness and opportunity and threat in the environment. So second step है वो deep analysis है various alternative का for the purpose क्या होगा choosing the most appropriate alternative which will serve as a strategy of the firm. एक कंपनी जो है वो कन्फ्रंट करेगी several alternatives के साथ. Should the company continue करे same business में carrying on the same volume of activities को ही carry करती हुई चले. If it should continue in the same business, should it grow by expanding the existing unit or by establishing the new units or by acquiring the other units in the industry? If it should अगर वो continue करेगी same business में तो वो grow करेगी by expanding the existing units को, establishing the new units or by acquiring the units in the industry. If it should diversify तो should it diversify related areas में करे या unrelated areas में करे. Should it get out of an existing business fully or partially के वो get out करेगी existing fully or partially. जब above strategic alternative है वो design किया जाता है stability strategy, growth expansion strategy, retrenchment strategy. Company जो है वो follow करती है combination of these alternative called the combination strategy and the detail of strategies have been given in a chapter 4. इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा स्ट्रैटेजीज का. इम्प्लीमेंटेशन और जो एग्जीक्यूशन होता है ऑफ द ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी एट द एम एट शेपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी इन अ स्ट्रैटेजी सपोर्टिव मैनर. द मोस्ट डिमांडिंग है टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस का. कैसे हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रैटेजिक प्लान्स को एक्शंस में रिजल्ट्स में. मैनेजर मस्ट बी एबल टू डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मोटिवेट द पीपल बिल्ड एंड स्ट्रेंथन द कंपनी कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज एंड क्रिएट अ स्ट्रैटेजी सपोर्टिव वर्क क्लाइमेट. एंड मीट कैसे करेगी बीट कैसे करेगी परफॉर्मेंस टारगेट को. चेंज को कैसे मोटिवेट करेगी पीपल को बिल्ड एंड स्ट्रेंथन दी कंपनी कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी सपोर्टिव वर्क क्लाइमेट एंड मीट और बीट दी परफॉर्मेंस टारगेट. मोस्ट सिचुएशन में स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स. There is one separate question in strategy implementation and execution वाले steps पे. And this question I think आ भी सकता है. हाँ मम्मी.
कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रैटेजी को, कैसे हम इवेल्युएट करेंगे और कंट्रोल को। जो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन होते हैं वो कॉमन ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है, विच इज़ एम्ड एट शेपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी इन अ स्ट्रैटेजी सपोर्टिव मैनर। इट इज़ द मोस्ट डिमांडिंग है टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस। कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक प्लान्स को एक्शंस में, रिजल्ट्स में। मैनेजर मस्ट बी एबल टू डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। कैसे मोटिवेट करेंगे पीपल को, बिल्ड एंड स्ट्रेंथन द कंपनी कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी, क्रिएट अ स्ट्रैटेजी सपोर्टिव वर्क क्लाइमेट एंड मीट और बीट द परफॉर्मेंस टारगेट को। मोस्ट सिचुएशन में स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में क्या इंक्लूड करता है द फॉलोइंग प्रिंसिपल एस्पेक्ट। कैसे डेवलप होगा बजट जो कि स्टील करेगा एम्पल रिसोर्स इन टू दोज एक्टिविटी क्रिटिकल टू स्ट्रैटेजिक सक्सेस। कैसे स्टाफिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की विद द नीडेड स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज के साथ, कॉन्शियसली बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग दी स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क एफर्ट। कैसे हम इंश्योर करेंगे कि पॉलिसीज और जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो फैसिलिटेट करें रादर देन इम्पीड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। कैसे हम यूज़ करेंगे बेस्ट नॉन प्रैक्टिसेस को जो परफॉर्म करेंगे कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ को एंड पुशिंग फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कैसे हम इंस्टॉल करेंगे इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कि एनेबल करेगा कंपनी पर्सोनल टू बेटर कैरी आउट देयर स्ट्रैटेजिक रोल्स डे इन डे आउट। कैसे मोटिवेट करेंगे पीपल टू परस्यू द टारगेट ऑब्जेक्टिव्स एनर्जेटिकली। कैसे क्रिएट करें कंपनी कल्चर एंड वर्क क्लाइमेट कंड्यूसिव टू सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन के लिए। कैसे हम एग्जर्टिंग करें दी इंटरनल लीडरशिप नीडेड टू ड्राइव द इम्प्लीमेंटेशन फॉरवर्ड एंड कीप इम्प्रूविंग स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। जब ऑर्गेनाइजेशन एनकाउंटर करती है स्टम्बलिंग ब्लॉक्स और वीकनेस, मैनेजमेंट हैज टू सी दैट दे आर एड्रेस एंड रेक्टिफाइड क्विकली। गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व करती है क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग फिट बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज में, बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड द रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में, बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क क्लाइमेट एंड कल्चर में। तो एक इम्प्लीमेंटेशन पे एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट। उसके बाद स्ट्रैटेजिक इवेल्युएशन और कंट्रोल में क्या होगा, व्हाट विल हैपन अंडर दी, बिकॉज पॉइंट है ना, ज़्यादा पॉइंटर नहीं है, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकता है, स्पेशली पॉइंटर्स को तो वी कांट इग्नोर। स्ट्रैटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल में क्या होता है, जो फाइनल स्टेज होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की। कैसे हम इवेल्युएट करेंगे कंपनी के प्रोग्रेस को, कैसे आप असेस करोगे इम्पैक्ट ऑफ न्यू एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स का, मेकिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट कैसे करोगे इस दी ट्रिगर पॉइंट है फॉर डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू करें या चेंज करें कंपनी के विजन को, ऑब्जेक्टिव्स को, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन मैथड्स को। सो लॉन्ग एज द कंपनी का जो डायरेक्शन होता है और स्ट्रैटेजी सीम वेल मैच्ड टू इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन एंड परफॉर्मेंस टारगेट्स आर बींग मेट। जो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं हमें डिसाइड कर सकते हैं टू स्टे कैसे करें दी कोर्स को, सिंपली दी फाइन ट्यूनिंग द स्ट्रैटेजिक प्लान एंड कंटिन्यूइंग विद द ऑनगोइंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव द स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन आर सफिशिएंट। बट वेन एवर अ कंपनी एनकाउंटर करती है डिसरप्टिव चेंजेस इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट, क्वेश्चन नीड टू बी रेज अबाउट अप्रोप्रिएटनेस क्या है ऑफ इट्स डायरेक्शन एंड स्ट्रैटेजी का। इफ अ कंपनी का जो एक्सपीरियंस है डाउन टर्न इट्स मार्केट पोजिशन एंड शॉर्टफॉल्स इन परफॉर्मेंस, देन द कंपनी मैनेजर्स आर ऑब्लिगेटेड टू फेरेट आउट वेदर दी कोर्स रिलेट टू पुअर स्ट्रैटेजी, पुअर एग्जीक्यूशन एंड और बहुत, एंड टू टेक दी टाइमली करेक्टिव एक्शन। एक कंपनी का जो डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव होता है और स्ट्रैटेजी हैव टू बी रिविजिटेड एनी टाइम एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन वॉरेंट इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट अ कंपनी विल मॉडिफाई कर सकती है उसका स्ट्रैटेजिक विजन, डायरेक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी ओवर टाइम। प्रोफिशिएंट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ मच ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग का, इट इज अचीव अनइवनली कमिंग क्विकली इन सम एरियाज एंड प्रोवाइडिंग दी नेटल सम एंड प्रॉब्लमेटिक इन अदर्स। प्रियडिकली कैसे हम असेस करें वॉट एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन आर वर्किंग वेल एंड वॉट नीड इम्प्रूव इन इट्स नॉर्मल एंड डिजायरेबल। सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन एंटेल्स विजिलेंटली सर्चिंग फॉर वेज और कंटिन्यूसली इम्प्रूव एंड देन मेकिंग द करेक्टिव एडजस्टमेंट वेन एवर एंड वेर एवर इट इज यूजफुल टू डू सो। तो व्हाट विल बी दी समरी क्या होगी चैप्टर की, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है,
जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है इज द मेकिंग है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी। ये इन्वॉल्व करती है टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, कैसे हम लेंगे, कैसे हम एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को टू परस्यू दिस स्ट्रैटेजी को परस्यू करने के लिए। स्ट्रैटेजिक इंटेंट प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क विद इन विच द फर्म वुड अडेप्ट कैसे करेगा प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन को, कैसे वो ऑपरेट करेगा अचीव स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को। जो एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट के, वो विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दिस चैप्टर एक्सप्लेन करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल को। जो 5 स्टेजेस होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, वो होती है कैसे हम डेवलप करेंगे स्ट्रैटेजिक विजन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो 5 स्टेजेस होती है कैसे हम डेवलप करेंगे स्ट्रैटेजिक विजन को हम कैसे डेवलप करेंगे, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को। फिर हम कैसे देखेंगे अबाउट द इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस कैसे करेंगे, फॉर्मुलेट कैसे करेंगे स्ट्रैटेजी को, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे स्ट्रैटेजी को, स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल कैसे करेंगे हैव बीन डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो हम क्या बोलते हैं दैट दिस चैप्टर एक्सप्लेन दी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल को बताता है एंड द 5 स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे वो करती है डेवलप कैसे करके स्ट्रैटेजिक विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट एंड एनालिसिस कैसे होगा, फॉर्मुलेशन कैसे होगा स्ट्रैटेजी को, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा स्ट्रैटेजी को, स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन कंट्रोल हैव बीन डिस्कस इन दिस चैप्टर। मिस्टर राज हैज बिन हायर्ड एज अ सीईओ बाय XYZ लिमिटेड, अ FMCG कंपनी दैट हैज डाइवर्सिफाइड इनटू अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स। मिस्टर राज को हायर्ड किया गया एज अ सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाय द XYZ लिमिटेड, एक FMCG कंपनी ने जिसके डाइवर्सिफाइड इनटू अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स। द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च द फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक। XYZ लिमिटेड विशेस टू एनरिच The lives of a people with its product that are good for skin and are produced in ecologically beneficial manner using the herbal ingredients. Draft a vision and a mission statement that may be formulated by Raj. तो हमें विजन कैसे, हमें कैसे हम ड्राफ्ट करेंगे विजन और मिशन स्टेटमेंट को, कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा। तो विजन इम्प्लाइज क्या होता है, विजन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक में हैव द फॉलोइंग विजन और मिशन होगा। इम्प्लाइज द ब्लू प्रिंट क्या होगी कंपनी के फ्यूचर का, पोजिशन का, व्हाट विल बी द ब्लू प्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजिशन। इट डिस्क्राइब वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू लैंड। राज शुड एम टू पोजिशन फील गुड, उसका एम क्या है, फील गुड कॉस्मेटिक एज इंडिया ब्यूटी केयर कंपनी। इट मे हैव विजन है टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी। उसे क्या करना है, इंडिया का लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी बनना चाह वो कंपनी जो है वो बनना चाहती है लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी। हम क्या बोलते हैं, वो इंडिया का लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी बनना चाहती है। इट मे हैव विजन है टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी दैट इम्प्रूव करेगी लुक्स एंड गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग और ब्रिंग हैप्पीनेस लाएगी टू दी पीपल को, लोगों को कैसे बताएगी हैप्पीनेस बताएगी। मिशन क्या होता है, मिशन डेलिनेट्स द फर्म्स बिजनेस, उसका गोल्स क्या होगा, व्हाट विल बी द वेज टू रीच द गोल्स। इट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म्स इन द सोसाइटी। इट इज डिजाइन टू हेल्प द पोटेंशियल शेयर होल्डर इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द कंपनी। मिशन स्टेटमेंट क्या करेगी, मिशन डेलिनेट्स करेगी द फर्म बिजनेस को। इट विल डेलिनेट्स, हम क्या बोलते हैं मिशन क्या करेगी, मिशन क्या करेगी, मिशन डेलिनेट करेगी कि फर्म का बिजनेस क्या होगा। इट गोल्स एंड वेज टू रीच दी, सबसे पहले विजन में क्या है कि लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी बनना है, इम्प्रूव करेगी लुक्स को, गिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग, ब्रिंग हैप्पीनेस टू पीपल। मिशन में क्या बताएंगे, डेलिनेट करेगी फर्म के बिजनेस क्या होंगे,
इट्स गोल बेस्ड टू रीच द गोल्स. ये एक्सप्लेन करेगी रीजन क्या होगा फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉर्म इन द सोसाइटी. ये डिजाइन की जाएगी ताकि ये हेल्प करेगी पोटेंशियल को पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स को अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द कंपनी. मिस्टर राज में आइडेंटिफाई करेगा मिशन को इन द फॉलोइंग लाइन्स. कैसे? टू बी इन द बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक टू एनहेंस द लाइफ्स ऑफ अ पीपल. आइडेंटिफाई किया है लाइन्स गिव कॉन्फिडेंस टू लीड टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम हार्मफुल एलिमेंट्स इन एनवायरमेंट एंड सन रेज टू प्रोड्यूस अ हर्बल कॉस्मेटिक यूजिंग द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. ऐसा हम क्वेश्चन लिख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. श्री आलोक कुमार आलोक कुमार इज हैविंग इट्स ओन मीडियम साइज फैक्ट्री है इन अलीगढ़ मैन्युफैक्चरिंग द हार्डवेयर कंसिस्टिंग ऑफ हैंडल्स हिंजेस टावर बोल्ट्स एंड सो ऑन. श्री आलोक कुमार इज हैविंग इज ओन मीडियम है साइज फैक्ट्री इन अलीगढ़ मैन्युफैक्चर कर रही है हार्डवेयर को विच इज कंसिस्टिंग ऑफ हैंडल्स हिंजेस टावर बोल्ट्स एंड सो ऑन. ही हैज अ स्टाफ ऑफ मोर देन 220 इन हिज ऑर्गेनाइजेशन. वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड ऑफ हार्डवेयर सैलरी सेलर इन इंडिया इज रीब्रांडिंग एंड सेलिंग द मटेरियल फ्रॉम हिट्स फैक्ट्री. श्री आलोक कुमार बिलीव इन ए क्लोज सुपरविजन एंड टेक ऑल द मेजर एंड माइनर डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन. डू यू थिंक दैट श्री आलोक शुड टेक ऑल द डिसीजन हिमसेल्फ. वॉट शुड बी द नेचर ऑफ डिसीजन वॉट शुड बी टेकन बाय हिम. डिसीजन मेकिंग जो है वो एक मैनेजरियल प्रोसेस है. कैसे हम सेलेक्ट करेंगे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को आउट ऑफ दी सेवरल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. डिसीजन में भी ऑपरेशनल हो सकता है जो कि रिलेट करता है टू द जनरल डे टू डे ऑपरेशन. वे मे भी स्ट्रैटेजिक इन नेचर में भी स्ट्रैटेजिक भी हो सकता है. एज ऑनर मैनेजर एट द टॉप लेवल इन द कंपनी श्री आलोक कुमार शुड कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए उन्हें स्ट्रैटेजिक डिसीजन पे. दीज आर दी हायर लेवल डिसीजन होते हैं जिसके ऑर्गेनाइजेशन का वाइड इम्प्लीकेशन होता है. जो मेजर डायमेंशन होते हैं वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन के वो क्या होते हैं. स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर द टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट एज दे इन्वॉल्व थिंकिंग इन टोटलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. हमें टोटलिटी में सोचना होता है. स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर द टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट एज दे इन्वॉल्व थिंकिंग इन टोटलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रैटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट कमिटमेंट होता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का. स्ट्रैटेजिक डिसीजन नेसेसिटेट करता है कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स इन द फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. स्ट्रैटेजिक डिसीजन लाइकली टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑन द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म. दे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म. स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है. स्ट्रैटेजिक डिसीजन यूजली मेजर मल्टी फंक्शन और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. रोहित सेठ इज एन इनफॉर्मल डिस्कशन है विद हिज फ्रेंड शेयर डेट ही हैज टू मूव वेरी कॉशियसली इन हिज ऑर्गेनाइजेशन. हम क्या बोलते हैं रोहित सेठ इन एन इनफॉर्मल डिस्कशन विद हिज फ्रेंड शेयर डेट ही हैज टू मूव वेरी कॉशियसली इन हिज ऑर्गेनाइजेशन एज द डिसीजन टेकन बाय हिम हैव ऑर्गेनाइजेशन वाइड इम्पैक्ट एंड इन्वॉल्व लार्ज कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ही ऑल्सो सेड डेट हिज डिसीजन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन. वेयर विल यू प्लेस रोहित सेठ इन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की. व्हाट आर द डायमेंशन क्या है ऑफ द डिसीजन बींग टेकन बाय हिम. एज द डिसीजन टेकन बाय रोहित सेठ हैव ऑर्गेनाइजेशन वाइड इम्पैक्ट होगा इन्वॉल्व द लार्ज कमिटमेंट एंड हैव इम्प्लीकेशन होगा ऑन द फ्यूचर. ही एज द टॉप लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो इंडिकेट दैट ही इज टेकिंग द स्ट्रैटेजिक डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो मेजर डायमेंशन है स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर एज फॉलो. स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर द टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट. स्ट्रैटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व करता है थिंकिंग एंड टोटलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रॉब्लम कॉलिंग फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर टू बी कंसिडर्ड बाई द टॉप मैनेजमेंट. Strategic decision involves commitment of organizational resources. Strategic decision to launch a new project of a firm requires allocation of huge funds and the assignment of large number of employees. Strategic decision necessitates the consideration of factors in the firm's external environment. The focus of an organization involves orienting its internal environment to the changes in the external environment. Strategic decisions are likely to have a significant impact on the long-term prosperity of a firm. Generally, the result of the strategic implementation is seen on a long-term basis and not immediately.
सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑन द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ फर्म। जनरली जो रिजल्ट देखा जाता है ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का सीन ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस एंड नॉट इमीजिएटली। स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑन फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन्वॉल्व्स कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे, प्रेडिक्टिंग दी फ्यूचर एनवायरमेंट कंडीशन एंड हाउ टू ओरिएंट फॉर द चेंज कंडीशन। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन्वॉल्व प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर एनवायरमेंटल कंडीशन, कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे दी फ्यूचर एनवायरमेंटल कंडीशन एंड हाउ टू ओरिएंट फॉर द चेंज कंडीशंस। स्ट्रेटेजिक डिसीजन यूजुअली हैव मेजर मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेज एज दे इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन इन टोटलिटी। दे अफेक्ट करते डिफरेंट सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द वरिंग डिग्री। एज दे इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन इन टोटलिटी दे अफेक्ट द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द वरिंग डिग्री। नेक्स्ट क्या था हमारा, वॉट इज द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, वॉट टास्क आर परफॉर्म बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वट इज़ द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, हम क्या बोलते हैं दैट वट इज़ द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या है एंड वॉट टास्क आर परफॉर्म, के कौन से टास्क को परफॉर्म किया जाएगा बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजर। डिसीजन मेकिंग जो है वो मैनेजरियल प्रोसेस है जहाँ हम सेलेक्ट करेंगे द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ द सेवरल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत एक मैनेजरियल प्रोसेस है जहाँ हम सेलेक्ट करेंगे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को। डिसीजन मेकिंग एक मैनेजरल प्रोसेस है जहाँ हम सेलेक्ट करेंगे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को आउट ऑफ द सेवरल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डिसीजन में भी ऑपरेशनल हो सकता है जो कि रिलेट कर सकता है जनरल डे टू डे ऑपरेशन से। दे में भी स्ट्रैटेजिक भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द जॉब्स एंड ग्लोइ। स्ट्रैटेजिक डिसीजन कंपास द डेफिनेशन टू द बिजनेस। प्रोडक्ट टू बी हैंडल, मार्केट टू बी सर्व, फंक्शन टू बी परफॉर्म, मेजर पॉलिसी नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू बी एग्जीक्यूट दिस डिसीजन एंड टू अचीव द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। जो प्राइमरी टास्क होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजर इज कंसेप्चुलाइजिंग, डिजाइनिंग, एग्जीक्यूटिंग द कंपनी स्ट्रैटेजी एंड फॉर दिस पर्पज टास्क इंक्लूड कैसे हम डिफाइन करेंगे द मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, कैसे हम अलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस, कैसे हम फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रैटेजीज दैट इज फाइन एंड यूजुअल बिजनेस, कैसे हम प्रोवाइड करेंगे लीडरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन को। क्या क्या टास्क में इंक्लूड होना चाहिए स्ट्रैटेजिक मैनेजर के, डिफाइन कैसे वो डिफाइन करेगा मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे वो डिफाइन करेगा मिशन एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे डिटरमाइन करेगा व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, कैसे वो एलोकेट करेगा रिसोर्सेज अमंग दी डिफरेंट बिजनेसेस में, कैसे फॉर्मुलेट इंप्लीमेंट करेगा स्ट्रैटेजी डेट इज फाइन एंड डिजिटल बिजनेस, कैसे प्रोवाइड करेगा लीडरशिप फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। वॉट इज अ मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेट द पॉइंट दैट मे बी कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। हम क्या बोलते हैं कि मिशन स्टेटमेंट क्या होता है एंड व्हाट आर द पॉइंट्स जो कि कंसिडर किया जाता है व्हाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। मिशन स्टेटमेंट एक आंसर है टू द क्वेश्चन दैट हु वी आर एंड व्हाट वी डू। तो हम क्या बोलते हैं मिशन क्या है, स्टेटमेंट इज एन आंसर है टू द क्वेश्चन दैट हु वी आर एंड व्हाट वी डू। हैंस हैज टू फोकस करना होता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट कैपेबिलिटीज पर, फोकस एक्टिविटीज पर एंड बिजनेस मेकअप पे। एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेट करता है दैट व्हाट कस्टमर इट सर्व्स, व्हाट नीड्स इट सेटिस्फाई, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इट ऑफर्स। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ ग्रोथ एंड एम्बिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी का जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो टिपिकली फोकस करता है उसके प्रेजेंट बिजनेस स्कोप पे, हु वी आर एंड व्हाट वी डू। मिशन स्टेटमेंट ब्रॉडली डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट कैपेबिलिटीज को, कस्टमर फोकस को, एक्टिविटीज को एंड बिजनेस मेकअप को। जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं वो कंसिडर किए जाने चाहिए जब हम एक मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं। तो कैसे हम एस्टेब्लिश करेंगे स्पेशल आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस, वन जो टिपिकली डिस्टिंग करता है फ्रॉम अदर सिमिलरली पोजिशन कंपनीज में। कैसे हम एस्टेब्लिश करेंगे टू एस्टेब्लिश द स्पेशल आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस, वन जो टिपिकली डिस्टिंग करता है फ्रॉम अदर सिमिलरली पोजिशन कंपनीज को। नीड विच बिजनेस ट्राई टू सेटिस्फाई कस्टमर ग्रुप इट विशेज टू टारगेट इन टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसीज इट यूजेज एंड एक्टिविटीज इट परफॉर्म्स। गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी यूनिक होना चाहिए टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप। मिशन ऑफ अ कंपनी शुड नॉट टू मेक प्रॉफिट, सरप्लस मे बी रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ बट नॉट ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट कैन नॉट बी सर। मतलब प्रॉफिट ये मतलब गुड मिशन स्टेटमेंट शुड नॉट बी टू मेक प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जो है फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ नॉट टू बी कैन नॉट बी मेक फॉर अ मिशन ऑफ अ कंपनी।
ब्रीफली डिस्कस कीजिए दी डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन, में क्या डिफरेंस होगा। एक मिशन स्टेटमेंट जो होती है वो बताती है आपको फंडामेंटल पर्पस क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का। मिशन स्टेटमेंट क्या बताती है, फंडामेंटल पर्पस क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का। ये कॉन्सेंट्रेट करती है ऑन द प्रेजेंट, ये डिफाइन करती है कस्टमर पे, क्रिटिकल प्रोसेसेस पे इन्फॉर्म करती है, डिजायर्ड लेवल क्या होगा परफॉर्मेंस का। ऑन द अदर हैंड विजन स्टेटमेंट आउटलाइन करती है व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू। ये कंसंट्रेट करती है ऑन द फ्यूचर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या होगा, प्रोवाइड करेगी क्लियर डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। मिशन स्टेटमेंट रिजेंबल कर सकती है विद द विजन स्टेटमेंट के साथ कुछ कंपनीज में, बट दैट कैन बी ग्रेव मिस्टेक। इट कैन कंफ्यूज कर सकती है पीपल फॉलोइंग आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन। जो विजन है वो स्टेट करती है फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगा, वाइल दी मिशन स्टेट्स दी ऑनगोइंग एक्टिविटी। विजन बताती है फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में, और जो मिशन है वो ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएगी। जो विजन है वो क्या बताएगी फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में, जबकि जो मिशन है वो ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएगी। जो विजन स्टेटमेंट है वो गैल्वेनाइज करेगी पीपल को कि वो अचीव करे डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स को, इवन इफ दे आर स्ट्रेच ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड द विजन इन स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। मिशन स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है पाथ टू रियलाइज द विजन इन अलाइन विद इट्स वैल्यू। ये स्टेटमेंट हैव डायरेक्ट बियरिंग होगी ऑन द बॉटम लाइन एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। विजन स्टेटमेंट डिफाइन करके पर्पस क्या होगा और ब्रॉडर गोल क्या होगा फॉर बींग इन एग्जिस्टेंस और इन अ बिजनेस एंड कैन रिमेन द सेम फॉर डिकेड्स। इफ क्राफ्ट वेल वाइल अ मिशन स्टेटमेंट मोर स्पेसिफिक है एंड और बहुत फ्यूचर स्टेट बताती है इन द टाइम फ्रेम, मिशन डिस्क्राइब वॉट विल बी अचीव द ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल। विजन स्टेटमेंट डिफाइन करके पर्पस क्या होगा, ब्रॉडर गोल क्या होगा फॉर बींग इन एग्जिस्टेंस। हम क्या बोलते हैं दैट विजन स्टेटमेंट क्या करेगी, डिफाइन करेगी पर्पस क्या होगा, ब्रॉडर गोल क्या होगा बींग इन एग्जिस्टेंस और बिजनेस और कैन रिमेन द सेम फॉर डिकेड्स इफ क्राफ्ट वेल। विजन मिशन स्टेटमेंट मोर स्पेसिफिक होती है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दी फ्यूचर स्टेट एंड दी टाइम फ्रेम। मिशन डिस्क्राइब व्हाट विल बी दी अचीव इफ ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल। विजन स्टेटमेंट गैल्वेनाइज करेगी दी पीपल को टू अचीव डिफाइन ऑब्जेक्टिव इफ दे आर स्ट्रेच एंड ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते। ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए मेजर डायमेंशन के आगे स्ट्रेटेजिक डिसीजन के, फिर से आ गया सेम क्वेश्चन। स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन एक ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स अ गुड फिट बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी स्ट्रक्चर क्लाइमेट एंड कल्चर। इनमरेट कीजिए प्रिंसिपल एस्पेक्ट क्या स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस की जो कि यूज की जाते हैं इन मोस्ट ऑफ दी सिचुएशन। स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूशन करना ऑफ एन ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी एम्ड एड शेपिंग कैसे करेगी परफॉर्मेंस ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी है ना, स्ट्रैटेजी सपोर्टिव मैनर में कैसे हम कन्वर्ट करें द स्ट्रैटेजिक प्लान्स को इन टू एक्शन एंड रिजल्ट। अ मैनेजर मस्ट बी एबल कैसे वो डायरेक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशनल के चेंज को, मोटिवेट कैसे करेगा पीपल को, बिल्ड कैसे करेगा, स्ट्रेंथन कैसे करेगा कंपनी की कॉम्पिटेंस को, कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज को कैसे क्रिएट करेगा, स्ट्रैटेजी सपोर्टिव वर्क कल्चर एंड मीट और बीट दी परफॉर्मेंस टारगेट। एक जो गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन है इन्वॉल्व करता है क्रिएटिंग द स्ट्रॉन्ग फिट बिटवीन स्ट्रैटेजी और ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी स्ट्रक्चर क्लाइमेट एंड कल्चर। मोस्ट सिचुएशंस में स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस इंक्लूड करता है दी फॉलोइंग प्रिंसिपल एस्पेक्ट। कैसे हम डेवलप करेंगे बजट्स को डेट सी दी एम्पल रिसोर्सेज इनटू दोस एक्टिविटी क्रिटिकल टू दी स्ट्रैटेजिक सक्सेस। कैसे स्टाफिंग होगी दी ऑर्गेनाइजेशन विद दी नीडेड स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। कॉन्शियसली कैसे हम बिल्ड करेंगे स्ट्रेंथन करेंगे स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कॉम्पिटेंस एंड कम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजिंग दी वर्क एफर्ट्स का। कैसे हम डेवलप करेंगे दी, ये इम्प्लीमेंटेशन का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन निकला है। कैसे हम डेवलप करेंगे बजट्स को जो कि स्टील करेगा दी एम्पल रिसोर्सेज इन टू दोज एक्टिविटी क्रिटिकल टू दी स्ट्रैटेजिक सक्सेस। कैसे हम स्टाफिंग करेंगे द ऑर्गेनाइजेशन की विद नीडेड स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज के साथ, कैसे हम स्टाफिंग करेंगे चीज़ों को, कॉन्शियसली बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग दी स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क एफर्ट। कैसे हम इंश्योर करेंगे कि
पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, फैसिलिटीज को, रादर देन इम्पीड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। कैसे हम यूज करेंगे दी बेस्ट नोन प्रैक्टिस को ताकि हम परफॉर्म करें और बिजनेस एक्टिविटीज को एंड पुशिंग फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। कैसे हम इंस्टॉल करें इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कि एनेबल करे कंपनी पर्सोनल टू बेटर कैरी आउट दियर स्ट्रेटेजिक रोल्स डे इन डे आउट। कैसे हम मोटिवेट करेंगे टू परस्यू दी टारगेट ऑब्जेक्टिव एनर्जेटिकली। कैसे हम क्रिएट करेंगे कंपनी के कल्चर को, वर्क क्लाइमेट को जो कि कंड्यूसिव है टू सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन से। कैसे हम एग्जर्ट करेंगे इंटरनल लीडरशिप नीडेड टू ड्राइव द इम्प्लीमेंटेशन फॉरवर्ड एंड कीप इम्प्रूविंग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। जब हम ऑर्गेनाइजेशन का एनकाउंटर करेंगे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स और वीकनेस, मैनेजमेंट को देखना होगा दैट दे आर एड्रेस एंड रेक्टिफाई है क्विकली। ओके, तो दिस इज द चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट।